प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन राजस्थान इंटक के तत्वाधान में प्रदेश प्रवक्ता के नेतृत्व में 30 जुलाई को कनिष्ठ अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम नादोती के मामले को लेकर फार्म मेसर्स जय शिव गुरु कृपा के प्रोपराइटर विष्णु खटाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर इंजीनियर्स और तकनीकी कर्मचारियों ने नादोती उप जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेखनीय है कि कनिष्ठ अभियंता नादोती राकेश कुमार मीणा के साथ मारपीट व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने व जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट पुलिस को नादोती में दर्ज कराई गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिससे विद्युत कर्मियों में रोष व्याप्त है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर सोमवार तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो समस्त इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। खंड 90 के तहत एक ठेकेदार के द्वारा जयन श्री राकेश मीणा जी के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, मारपीट और गाली गलौज, पूरे करौली जिले के बिजली कर्मचारी और जयंश में बहुत इसका विरोध है, रोष व्याप्त है। हमारा ये लास्ट अल्टीमेटम है। इससे पहले हम माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय SV महोदय को और हमारे निगम के आला अधिकारी RC शर्मा जी, जो कि वर्तमान में SC की पोस्ट पर विराजित हैं, उनको भी इस मामले में हमने ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक दोषी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा अब लास्ट अल्टीमेटम है, अगर सोमवार तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर टोल डाउन हड़ताल का हमने फैसला लिया है और सोमवार से हमारी टोल डाउन हड़ताल SV ऑफिस करौली के सामने धरना प्रदर्शन चालू होगा। इसके लिए निगम प्रशासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर दोषी कर्मचारियों को सोमवार तक गिरफ्तारी उनकी होती है तो हमारा ये आंदोलन विड्रॉ किया जाए। मुरादाबाद मुगलपुरा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो दोस्तों की नशीला पदार्थ अर्जेनिया टिंचर पीने से हालत बिगड़ने पर उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों ही युवकों को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। वहीं ड्रग विभाग ने दुकान पर छापा मारकर टिंचर के सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने दोनों के शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दो लोगों ने एक टिंचर नाम की औषधि आती है जिसके अंदर 60% अल्कोहल होता है, तो वो अर्जीनिया टिंचर आधी बोतल पी और पीने के बाद वो दोनों सडनली गिर गए और गिरने के बाद डेथ हो गई। लेकिन साइंटिफिकली किसी भी व्यक्ति की मौत टिंचर की आधी बोतल से नहीं, पूरी बोतल से भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके अंदर 60% अल्कोहल है। अगर जो वो 300 ml भी है तो 300 ml अल्कोहल से किसी की डेथ नहीं हो सकती है। उसको वोमिट हो सकता है, उसको वो बेहोश हो सकता है, या लंबे ट्रीटमेंट के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लैप्स होने के बाद ही उसकी डेथ हो सकती है। तो प्रथम दृष्टया, हालांकि हम लोगों ने उस पर कार्रवाई करते हुए 51 पेटी एक जगह से जो है साई मेडिकल स्टोर से बरामद की हैं और आगे भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं कि जिससे कि किसी भी प्रकार का संदेह ना बचे, और उसके सैंपल लेके हम लोग उसकी जांच कराएंगे कि कहीं उसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। परंतु जो हमने उसके मृतक के कमरे की जो अभी देखा है, तो मौके पे कम से कम 150 से भी ऊपर खाली बोतलें वहाँ पर जो है बरामद हुई हैं, जो कि आपका अर्जीनिया टिंचर की हैं। तो अगर जो टिंचर से मौत होनी होती तो उनकी रात ही हो गई होती, क्योंकि रात भी उन्होंने पी है और वो आधी बोतल उसमें से बची हुई है। देखिए टिंचर तो जैसे आप मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, जो कि कार्डियक पेशेंट्स को दी जाती है, तो उसकी डोजिंग लेकिन उसकी कम है, 1 ml उसकी डोजिंग है। और जिस जहाँ से ये बरामद की है वो लाइसेंसी फार्मासिस्ट है और एक वैलिड मैनुफैक्चर की बनाई हुई है। तो प्राइमा फेशिया टिंचर से मौत का मामला मुझको नहीं लगता है। सर आपने जब्त कर ली है क्या और मेडिकल भी सीज किया है? मेडिकल में जितनी दवा थी हमने रिकवर कर ली है, तो इसलिए उसको सीज करने का औचित्य नहीं बचता है, क्योंकि परमाइसिस सीज करके कोई उसका आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर के आप ले सकता है क्या? जी अभी जो लॉ की पोजीशन है वो एज पर लॉ, तो वो बिना डॉक्टर के उसके जो है प्रिस्क्रिप्शन के ले सकता है। जो फर्म ये क्या श्री गुल्ले पार्थे थे उनका फर्म है क्या ये? नहीं, ये फर्म तो श्रीगुल की नहीं है, ये तमन्य दीक्षित के नाम से लाइसेंस है। ये हो सकता है कि श्रीगुल इसके जो प्रॉपर्टी है उसकी मालिकी हो।
उत्तर प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार जहां सख्त हुई है, वहीं फतेहपुर जिले के प्रवर्तन अधिकारी ने स्कूल वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करना शुरू कर दिया है, जिससे स्कूली वाहनों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कॉन्वेंट स्कूलों सहित अन्य स्कूलों की 81 गाड़ियां रोज बच्चों को लेकर आने जाने का काम करती हैं, लेकिन बच्चों के गार्डियन से भरी भरकंप पैसों की उगाही करने वाले स्कूल संचालक स्कूल की गाड़ियों के पेपर बिना कंप्लीट करे ही बच्चों को ले जाने में लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए आरटीओ ने फिटनेस कंप्लीट न होने पर सभी स्कूली गाड़ियों के संचालकों को नोटिस भेज दिया है। स्कूली वैन दौड़ रही थी, जिसके खिलाफ आरटीओ द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे काफी हड़कंप मचा है स्कूली वैनों पे। इन सब कितनी गाड़ियों को सीज किया गया है, क्या क्या कार्रवाई अब तक हुई है? देखिए, स्कूली वाहनों के संबंध में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हमारा परिवहन विभाग बड़ा ही जागरूक और बड़ा ही तत्पर है। इसके संबंध में कई सुधार किए गए हैं, जिसमें कि मोटर व्हीकल अधिनियम और मोटर व्हीकल नियमावली में ही सुधार किए गए हैं। उसके अंतर्गत हमारे जनपद फतेहपुर में जो स्कूली वाहन बिना फिटनेस के संचालित थे, जिन्होंने अपनी फिटनेस सही समय पर नहीं कराई थी, ऐसी संख्या 81 गाड़ियों की संख्या थी, 81 वाहन थे, उनको सबको नोटिस दिया गया। और उन 81 वाहनों में से 32 गाड़ियों ने अपनी समय पर फिटनेस करा ली नोटिस देने के बाद में। तो उसके अलावा जो भी 49 गाड़ियां बची हैं, 49 गाड़ियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53(1) के अंतर्गत उनका पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। वो निलंबन तब तक कारगर रहेगा जब तक कि वो गाड़ी पुनः अपनी ऑफिस में लाकर उसका फिटनेस न करा ले। अगर ये सड़कों में चलती हुई पाई जाएंगे तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई? अब वो मतलब उनकी फिटनेस चूंकि निरस्त हो गई है, उनका पंजीयन निरस्त हो गया है, तो इसलिए उस पर जो भी जुर्माना लगता है, हमारे यहाँ से 8,000 रुपये जुर्माना है, तो वो 8,000 रुपये उन पर जुर्माना लगेगा। और जो नोटिस भेजा गया है, जो फाइनली आदेश भेजा गया है, उसमें ये निर्देश किया गया है उसके प्रधानाचार्य या वाहन स्वामी को कि मतलब आप इसको संचालित नहीं करें और इसको तत्काल अपने परिसर में खड़ा कर लें, और जब तक इसकी फिटनेस न करा लें तब तक इस पर स्कूलों के बच्चों को लाने ले जाने का कारण न करें। अगर संचालित करते हुए अगर ये पाए जा रहे हैं या स्कूली बच्चे अगर उसमें देखे जा रहे हैं तो क्या तो बिल्कुल इनको पहली बात तो है कि ये निरुद्ध की जाएंगी थानों में, और दूसरी बात है कि इनका पंजीयन हमेशा के लिए निलंबित न करके निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे निर्देश एआरटीओ इन्फोर्समेंट जो भी प्रवर्तन दल है उनको दे दिए गए। कानपुर में 2 घंटे की बारिश के बाद एक बार फिर नगर निगम की पोल खुल गई है, जहां पूरा शहर जलमग्न हो गया है और चारों तरफ घुटनों तक पानी भर गया है। आलम तो यह है कि पानी लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं दूसरी तरफ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलाब बाबू हाता में बनी मस्जिद में भी नाले का पानी घुस गया है, जिस कारण शुक्रवार के दिन नमाजियों को खासा परेशानी हो रही है, जिसके चलते लोगों ने रोड जाम करते हुए अपना विरोध जाहिर किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हंगामे को शांत कराया और यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया। गुलाब बाबू हाता जो है उसमें पूरी गलियों में, सड़कों पर और यहां तक के मस्जिद में भी पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है, जिसको लेकर के इस इलाके के तमाम लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है और ये समस्या लगभग 10-12 दिन से बनी हुई है। इससे पहले भी नगर निगम को अवगत कराया गया था, मगर अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसको लेकर के आज पानी जब मस्जिद के अंदर भी पूरी तरीके से भर गया और नमाज़ पढ़ने में भी परेशानी होने लगी, तो फिर सभी लोगों ने इस महल्ले के सभी लोगों ने मिल करके जो है यहाँ पर रास्ता जाम किया और यहाँ इस बात का एहतजाज किया कि आखिर ये 10-12 दिन से हमारे इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। नाला आगे से बंद हो गया है, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल नहीं निकलता है और अब भी जो है सड़कों में और गलियों में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। मौके पर कौन आया? मौके पर हमारे CO कोतवाली तशरीफ लाए और भी पुलिस फोर्स आई और इस इलाके के जो JE थे वो भी आए हुए थे, मगर वो वापस चले गए हैं। और हमारे मंत्री जी जो हैं वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, नगर आयुक्त से भी बात किया है, अपर नगर आयुक्त से भी बात किया है, मगर अभी तक कोई बड़ा अधिकारी नगर निगम से या जल निगम से अभी तक यहाँ नहीं आया है, जिसको लेकर के आपस में बहुत ज़्यादा रोष है।
ये हाथा गुलाब बाबू कहलाता है, गुलाब बाबू का हाथा लाकाली एरिया कोतवाली एरिया लगता है और जोन नंबर एक लगता है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां पर बीते कई महीनों से लगातार विपिन नामक एक युवक लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने का कार्य किया करता था और अब लाखों की ठगी का शिकार होने वाले पीड़ितों ने उच्च स्तरीय कार्रवाई करवाकर आरोपी की शिकायत पनकी पुलिस को दर्ज कराई है, जिसके बाद पनकी पुलिस ने दस्तावेजों के साथ विपिन चंद्र को गंगागंज से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी, मैं एक मुकदमा लिखाया गया था कल रवि कुमार और महेंद्र ये औरैया और अंकुश जहां चरण में इनके द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया, इसका मुकदमा का संख्या है 329 और 330। उसके बाद से पुलिस टीम पूरा जानकारी करने की जाता की जानकारी करने के लिए और उसके घर पर और मतलब से जब पता किया गया उसका नंबर हम लोग फिर करना पाया गया, फिर मुखबिर को लगाया गया था इसमें और मुखबिर से सूचना मिली तो आज सुबह थानाध्यक्ष पंथी और उनकी पंथी मंदिर चौक इंचार्ज की टीम के द्वारा जो ऐसे दबोच किया गया। इसके पास से कुछ कुछ दस्तावेज मिले और यह जैसा कि पूछताछ ने बताया इसने और लोगों के द्वारा भी जो वादी और उसके लोगों के द्वारा पता चला, ये कई लोगों से सरकारी विभागों में नौकरियाँ लगाने के लिए पैसे वसूलता था और उन्हें सब जवाब दिखा कर उनसे एंट लेता था, फिर बाद में लोग बेचारे दौड़ते थे। इसमें कई निरीह लोग भी हैं और किन किन लोगों से किया गया, इसका गैंग कितना लंबा फैला था और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, इसमें किसके किसके साथ और प्राप्त किया है, कितना कितना किया है, सब गहराई से छानबीन का विषय है और उसको की जा रही है। सर, इससे पहले क्या जेल गया या कभी आपराधिक अभी तक देखिए जो अभी तक गिरफ्तारी सुबह हुई है अभी तक की जो छानबीन से इसका कोई नहीं है, लेकिन जरूर अगर होगा तो ये छानबीन का विषय हम लोग है हम के लिए है और हम लोग इसका पता लगेगा। इसमें जो गिरोह के अनलोग भी शामिल अकेले तो आप भी नहीं कर सकता, इसमें गिरोह की क्या जानकारी जुटाई जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से जानकारी जुटाई जाएगी, अभी तो तत्काल का हमारी जो लिखा पढ़ी चल रही थी वो हुई है और सारी चीज़ें अब हमारा अंडर इन्वेस्टिगेशन चलेगा और उस सब चीज़ें हम लाकर इसे और मजबूती से ऐसे गिरोहों को पर्दाफाश करें। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद नगर पंचायत भोजपुर में सब्जी मंडी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह नगर पंचायत भोजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ किसानों को संबोधित किया और केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे और अगली बार सरकार नहीं बनने देंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। क्या पद आपको सौंपा गया है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से? आज किसान यूनियन जिला अध्यक्ष मुझे चुना है जी भानु जी ने जी, और किसानों के नियम है दिन रात मेहनत करके जी, और जो मुझसे मदद होगी वो मैं इनकी मदद करूँगा, अधिकारी के पास जाऊँगा, इनकी समस्या जो है वो हल करेंगे जी। क्या खुशखबरी देना चाहेंगे नगर पंचायत भोजपुर वाले किसानों को अपनी तरफ से? खुशखबरी देना चाहता हूं मैं, पहले तो उनका बरेली कैंट में रसद पहुंचाकर वापस देहरादून लौट रहे आर्मी के दो ट्रक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में दो आर्मी के जवान घायल हो गए हैं, घायलों को नगर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। आपको बता दें कि हादसा गुरुवार की सुबह 11:30 बजे धनेली पूर्वी गाँव के समीप हाईवे ओवर ब्रिज पर हुआ। देहरादून में स्थित आर्मी के AFC 447 बटालियन के दो ट्रक बरेली आर्मी कैंट स्थित रसद पहुंचाकर वापस देहरादून लौट रहे थे कि तभी पीछे से चली आ रही आर्मी के ट्रक रेत से जा टकराई। वहीं इस हादसे के बाद चालक रेत का ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। जी भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? सर, कहाँ रहते हैं आप? मैं देहरादून में रहता हूँ। अच्छा, तो किस बटालियन में इस समय कहाँ तैनात हैं आप? मैं सप्लाई डिपो में हूँ। अच्छा, तो ये आपका कहाँ से जा रहे थे आप, कहाँ के लिए? हमारे थे बरेली से देहरादून, कल आए थे हम, परसों आए थे बरेली कुछ सामान लेकर, और वो सामान खाली कर तो ये कहाँ कैसे हुई दुर्घटना? ये हुआ था सर, हमारे दो गाड़ी था आर्मी का जी, तो सामने वाला गाड़ी किसी सिविल गाड़ी से छूटा जी, फिर उसके बाद पीछे ही कुछ डिस्टेंस में अपना गाड़ी था, फिर जाकर उससे लूट। तो आपके साथ कितने साथी हैं?
दिल्ली मुंबई बड़ी रेल मार्ग पर निमोदा रेलवे स्टेशन के समीप पटरियों पर एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। इसकी सूचना पर चौकी प्रभारी मैं जाप्ते मौके पर पहुंचे और शव की शनाख्त कर परिजनों को सूचना दे दी। शव को सपोटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है, जहां परिजनों के आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह करीब 5:30 बजे निमोदा के रेलवे स्टेशन मास्टर रतन लाल मीणा ने जरिए टेलीफोन बताया कि आज रात को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश ट्रेन से कटकर निमोदा स्टेशन के खम्भा नंबर 10/36/1064 पर पड़ी हुई है। इस सूचना पर मैंने ऐसा ही मौके पर पहुंचा, जहां मृतक की लाश निमोदा स्टेशन से आगे रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई थी, जहां स्टेशन मास्टर द्वारा मेमो दिया गया। मृतक की लाश को चेक किया गया तो उसका आधा फटा हुआ आधार कार्ड मिला, जिस पर उसका नाम नरेश कुमार लिखा हुआ था। आगे आरोप की जगह एड्रेस पूरा कटा फटा था, जिसकी मालूमात की गई तो उक्त नरेश कुमार टाड़ा जिला उधमपुर का नाम उत्तराखंड के रूप में पहचान हुई है, जिसके 12 साल को सूचित किया जा चुका है। मृतक की लाश सपोटर अस्पताल में मुर्दा घर में रखी हुई है, 12 साल के आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खैराबाद के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मंच व मेहंदी प्रतियोगिता कार्यक्रम का फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय सदर विधायक श्री राकेश राठौर, डॉक्टर श्री विनीत मिश्रा, वीओ अनूप कुमार व अन्य माननीय गण मौजूद रहे।